हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन टाइम्स 2021। आज हम मैथ का चैप्टर 15 करने वाले हैं, क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज 1, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। सेकेंड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, जो प्रोबेबिलिटी श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उस इवेंट को सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं। थर्ड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट टू सर्टेन टू हैपन, जो नहीं होने वाली होती है उसकी 0 होती है प्रोबेबिलिटी, और उसका नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट। फोर्थ पार्ट है, द सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। फिफ्थ पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़ी होती है और इक्वल और लेस होती है 1 से। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, नो। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट, नो। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, येस। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, येस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।